हेलो गाइस, मैं हूं अनस और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम अपने ड्रेस में, वार्डरोब या कबर्ड में हम किस तरीके से अपने हिडन लॉकर्स या हिडन जगह बना सकते हैं ताकि अपनी चीज़ों को रख सकें। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, आप मेरी वीडियोस अगर किसी अदर कंट्री से देख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने सेटिंग पे जाइए एंड वहाँ अपने सबटाइटल में चेक कर सकते हैं कि क्या आपके रिलेटेड लैंग्वेज है यहाँ पे। जैसे इंग्लिश में करेंगे आप तो आपको सबटाइटल यहाँ इंग्लिश में दिखेंगे, एंड अगर आप सबटाइटल अगर आपको लगता है फिलिपिनो में आप देखना चाहते हैं या हिंदी में या पंजाबी में तो इसमें आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इन सब में भी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, मेरे कंट्रीज का जो भी लैंग्वेज है उसमें यहाँ सबटाइटल हो तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं जहाँ तक पॉसिबल हो सके मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले मैंने एक छोटी सही अलमारी बना ली है, नॉर्मल सी। ठीक है, ये स्लाइडिंग अलमारी की तरह मैंने बनाया है और इसमें मैंने एक नॉर्मल हैंगिंग और उसके बाद नीचे पैंट्स वगैरह की हैंगिंग जो होती है, यहाँ पे थोड़े ड्रॉर्स हैं जैसे आप देखेंगे इसमें। तो मैंने इसमें क्या किया है कि एक साइड में तो मैंने जैसे वॉचेस वगैरह जिनके पास होता है, जैसे मैंस की जो ज्वेलरी होती है, वॉचेस हो गई, हैंड की हो गया, अदर सो थिंग्स, ठीक है, तो उनके लिए जगह है। एंड दूसरे हिस्से में मैंने नॉर्मल रखा है ताकि कुछ भी रख सके, ठीक है, अदर दूसरी चीजें, फाइल्स वगैरह, समथिंग, जो कुछ भी है, डॉक्यूमेंट्स। एंड उसके बाद फिर आते हैं, जैसे ये जगह है तो ये नॉर्मल जो हमारे ड्रॉर्स होते हैं उस तरीके के हैं, ठीक है। तो अब इनमें हम किस तरीके के हिडेंस जगह बना सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले इसे कॉपी कर लेते हैं एक जगह। तो ये देखिए, अगर आपको थोड़ा ज्यादा जगह चाहिए इजिली, ठीक है, तो उसमें सबसे बढ़िया तो ये है कि आप इसके पीछे एक पूरा सा जगह बना लें। तो उसके लिए करना क्या है कि सिंपल इस एरिया को थोड़ा सा आपको बड़ा कर लेना है, मतलब छोटा कर लेना है। पहले हम इसे ऐसे करेंगे, पीछे से मात्र 6 इंच कम कर लेंगे जगह को। ये देखिए, पीछे से 6 इंच कम हो गया, इसे भी हम 6 इंच कम कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि उसके पीछे एक फट्टा लगाएंगे हम ताकि ये बंद हो जाए पीछे से। तो इसे मैं रोटेट करके यहीं पे लगा लेता हूँ। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, इसकी थिकनेस आप चाहें तो 0.7 में ही रख सकते हैं, 7.5 में ही, या फिर आपको 12 mm में करना है तो उसमें भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं 12 mm में कर दे रहा हूँ। चलिए, तो अब क्या हुआ है कि थोड़ी सी जगह पीछे कम हुई है, लेकिन उसकी वजह से हम क्या करेंगे कि इसमें अपना एक अलग से हम जगह बना लेंगे। देखिए, तो ये इतनी जगह हम कट करेंगे और इसे बिल्कुल एक बारीक सा रखेंगे यहाँ पे। तो ये हम पूरा का पूरा यहां तक लेके आएंगे, ठीक है, और इसके बाद यहां पे हम इसे कट कर लेंगे। तो देखिए ये कट हो गया है, ये अलग एक सेपरेट पार्ट हो गया, ठीक है, तो इसमें ये हो गया एक ग्रुप ये। तो अब ये होगा कि इस एरिया को हम ऐसे खोल सकते हैं, ठीक है, से यहाँ पकड़ा और इसे ऐसे खोल सकते हैं, ठीक है,
क्योंकि ये हिडन एरिया होता है, तो ये जगह छोटी होती है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा और बड़ा होना चाहिए तो आप बड़ा रख सकते हैं, और इसी दो हिस्से को या तीन हिस्से आप जैसे भी चाहें उसे आप पीछे ऐड कर लेंगे। तो मैं पीछे इसे ऐड कर देता हूँ। इन दोनों को स्केल कर लेते हैं साथ में। तो ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे, अगर मैं इस दोनों को हाइड कर दूँ, पीछे वाले इस एरिया को हाइड कर दूँ, तो आप देखेंगे इसके पीछे चाहिए। मैं क्या करता हूँ, सेक्शन कट कर लेता हूँ, तो आपको ज़्यादा सही दिखेगा। ये देखिए, तो इसमें हो क्या रहा है, इसके पीछे एक अलग से सॉर्ट ऑफ थोड़ी सी जगह बनती है जिसमें आप चीजों को रख सकते हैं, ठीक है, और सामने से बिल्कुल वही रहता है। तो एक तो ये तरीका है, बाकी जो चीजें हैं वो ड्रॉर्स वगैरह में ऐड होती है, ठीक है। तो ड्रॉर्स के लिए क्या क्या रखा है मैंने, कि पहले से ही बना रखे हैं दो तरीके, ठीक है। यहाँ देखिए, ये दो तरीके हैं। फर्स्ट क्या है कि बाहर से देखने में तो ये नॉर्मल ड्रॉअर लगेंगे। चलिए मैं इसे यहीं पे दोनों को सेटअप कर लेता हूँ। ये देखिए, ठीक है, जैसे नॉर्मल ये ड्रॉअर्स लग रहे हैं वैसे ही ड्रॉअर रहेंगे। जैसे नॉर्मल ड्रॉअर क्या होता है कि ये सीधा आपने खोला, आपके पास ये है, ठीक है। लेकिन इनमें भी क्या होगा कि फर्स्ट इस केस में जैसे ये है, तो ये एरिया आपका घूमेगा, यहाँ पे एक अलग से हिंजेस लगेंगे और वो हिंजेस इस तरीके से ऐड होगा, ताकि फ्रंट से आपको चीजें एक ही दिखे, लेकिन एक्चुअल में अंदर आप इसे जब बाहर करें और इस तरीके से आप ओपन कर सकें, ठीक है। और इसमें आप अपनी दूसरी चीजें रख सकते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरे कंडीशन में क्या है कि उस कंडीशन में ये चीज आपकी लॉक रहती है एक साथ ऐसे, ठीक है, जस्ट ये सेम रहता है। और उसके बाद फिर आप क्या होता है कि जब आप ड्रॉअर्स को निकालते हैं तो पहले आप पूरे इस ड्रॉअर को निकालेंगे ऐसे यहाँ, ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको लगता है कि मुझे हिडन लॉकर देखना, तो आप फिर इस एरिया को हटाते हैं या मैग्नेट से या कुछ भी चीज, ठीक है, उस तरीके से, एंड देन उसके बाद आप फिर इसे खोलते हैं इस तरीके से। तो ये आपका दूसरा ड्रॉर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक एक करके आपको फिर से एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ, ताकि आपको इससे दोनों ड्रॉर्स को समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देखते हैं, यहीं पे रख लेते हैं, एक को आगे पीछे कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। तो सबसे पहले आते हैं इसी को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है, इस ड्रॉअर को देखेंगे और इसकी एक क्लिप पे चलाता हूँ यहाँ पे। जिस तरीके की ये ड्रॉअर्स बताएं वही सेम यहाँ पे आप देखेंगे, तो इसमें प्ले होगा, ठीक है। तो हम साथ के साथ देखेंगे। ये देखिए, ये नॉर्मल ड्रॉअर ओपन हुआ, एंड उसके बाद क्या किया, जो ये वाला हिस्सा था इन्होंने इसे बाहर कर लिया, ठीक है, यहाँ से निकाल लिया। यहाँ पे सिंपल लगा हुआ था उसे आपने पुल किया, एंड उसके बाद देखिए ये इन्होंने बस इसे खींचा और यहाँ बाहर कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं कि इन्होंने एक लॉक रख रखा है यहाँ पे, ताकि लॉक खोले एंड नीचे आपका हिडन लॉकर होगा, ठीक है, ये आपका छोटा सा हिडन एरिया होगा, ठीक है। आगे फिर चलते हैं दूसरे उसमें, तो दूसरा इस तरीके का है। तो ये देखिए, तो इसे जब हम प्ले करते हैं तो नॉर्मल ड्रॉअर क्लिक किया और नीचे से आप इजीली आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि गन रखें, आप अपने पैसे वगैरह कुछ भी रख सकते हैं, एनीथिंग। उसी तरीके से जो मैंने सबसे पहले बताया कि आप पीछे हिस्से में रख सकते हैं, तो वो देखिए आपके नॉर्मल हिंजेस लगा के और इसके पीछे हिडन लॉकर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। पहले वाले तरीके में ही हम देखेंगे ये दूसरा, जिसमें पहले से ही लॉक बनाया हुआ है और आप सीधा खींच सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी।
हालांकि लॉकर्स वगैरह बनाना है हम कई जगह बना सकते हैं। अगर मैं इसे यहीं रखूं, इन दोनों को हटा देता हूं यहाँ से, जो ये चीज़ हमने पूरी की थी इसे ऊपर करते हैं क्योंकि ये यहीं तक आएगा। ठीक है, तो हम अपने दोनों ड्रॉर्स को एक जगह पे करते हैं। ये देखिए सेम बिल्कुल पुराने की तरह, जैसे नीचे वाला आप देखेंगे तो नीचे का सिंपल ड्रॉर है, ठीक है, एंड उसके बाद जो ये ड्रॉर है इसमें डबल डोर है। ठीक है, और ये वाला हमारा तीसरे तरीके का ड्रॉर है जो भी है। ठीक है, तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।